गाइज वेलकम टू स्मार्ट स्टडी मन चैनल। तो गाइज आज हम लोग स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से रीडिंग कैंपिंग एक्टिविटी शीट नंबर 24 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 की है, मतलब कि 6, 7, 8 की। ये कॉमन वर्कशीट है, जो ये वर्कशीट हमारी है वो है हमारी मैथ की इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की वर्कशीट है, और डेट हमारी 15 फरवरी 2022 की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, और हमारा जो टाइटल है वो है कैलेंडर, और यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिख लेंगे और यहाँ पे अपना नाम लिख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट कैलेंडर 2022। हमें कैलेंडर 2022 की यहाँ पे कैलेंडर दे दिया गया है, तो जैसे अब हम उसको देखते हैं यहाँ भी पूरा, यहाँ जैसे इसको जूम कर देता है जनवरी का, ये फरवरी का, इसमें मतलब कि पूरे एक साल का जो फरवरी 2022 का उसको दे दिया गया। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, देखिए बाय लुकिंग एट द कैलेंडर यू कैन ऑब्जर्व द फॉलोइंग डिटेल्स। हमें इसको पढ़ने का जो हमें क्वेश्चन आंसर हैं उस समय करने हैं। तो देखिए ईयर हैज़ 12 मंथ, नेमली देखिए एक साल में 12 महीने होते हैं, मतलब कि जैसे उनके नाम है जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, आपको बात ही होगा ना। देर आर मतलब कि 365 डेज या 66 डेज होता है, क्योंकि एक लीप ईयर साल होता है जिसमें एक ज़्यादा हो जाता है वो है फरवरी का, मतलब कि 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है जिसमें 28 होते हैं ना हमेशा, तो वैसे फरवरी में बहुत कम दिन होते हैं इसमें, फिर एक बढ़ जाता है 29। देखिए इन अ ईयर एक्चुअली हैव 365 और हाफ होता है इसका डेज, सो आफ्टर 4 साल बाद वो 4 और 1/4 होता है, दे एड अप टू गिव 1 डे और एक दिन और उसमें जुड़ जाता है, हैव एक्स्ट्रा डे, हमें 4 उसकी वजह से हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है ना, उसका हमें एक्स्ट्रा दिन मिल जाता है। देखिए दे हैव, देखिए हैव एक्स्ट्रा डे जनवरी मार्च, अधिक इस वाला पढ़ रहे हैं हम लोग, जनवरी मार्च मई जून, मई जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर एंड दिसंबर में 31 दिन होते हैं, मतलब कि कितने 31 डेज होते हैं, अप्रैल जून सेप्टेम्बर एंड नवंबर में सिर्फ 30 दिन होते हैं, और फरवरी एक ऐसा है जो बहुत कम होते हैं, वो है सिर्फ 28। इन लीपर ईयर फरवरी है 29, जब लीपर साल आता है तो 29 हो जाते हैं, एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं, जैसे उनके नाम है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, तो हमें पढ़ लिया, चलिए करते हैं ये क्वेश्चन आंसर। देखिए क्वेश्चन आंसर हमें क्या दिया गया, मैं जूम कर देता हूँ। देखिए फाइंड टुडे द डेट इन द कैलेंडर इन सर्कल इट, और हाँ हमें जो जिस आज कौन सी डेट हमें उस पर सर्कल करना है। तो देखिए गाइस आपको ये बताओगे फरवरी का महीना चल रहा है, और ये मतलब कि जो ये वर्कशीट है वो कब की है, 12 मतलब कि 15 तारीख है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हम 15 तारीख पे कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे ये नीचे की तरफ, यहाँ पे ये हमारा 15, तो यहाँ इसको हम कर देते, तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको भी कैलेंडर 1 फरवरी का बनाना है, उस पर ऐसा आपको कर देना है। ओके, अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया गया है, मार्क यूवर फैमिली मेम्बर बर्थडे इन द कैलेंडर विद डिफरेंट शेप्स विद स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल एक्सेट्रा एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। हमें इसमें क्या करना है, अपने जो आपकी जो फैमिली का जो आपको अपने जैसे एक तरीके का आपको जो फैमिली का जो बर्थडे आया तो उसका आपको अपने आप यहाँ पे अपने फैमिली को जिन जिनका बर्थ है उनका आप यहाँ नाम लिख देना है, जो जिस दिन की बर्थ मतलब कि जन्म हुआ तो यहाँ लिख देंगे, और शेप जैसे आप यहाँ एक्चुअली करते हैं, देखते हैं हम कैसे लिख लेंगे, और हमें लिखना ही कौन है। अब जैसे हम फर्स्ट हम लिख देंगे, देखिए मैं जैसे हम रोहित लिख देते हैं, वो गए पापा है ना, इसका भी आपको रीज़न लिखना ही कौन है या पापा, ठीक है। तो मैं ऐसे पूरा आपको सही से लिख देना, मेरा यहाँ पे आ नहीं पाएगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है पापा हो गया। और देखें नेक्स्ट हो गया हमारा, और भी हमारा बहुत चीज़ हो सकता है, बस मैंने यहाँ पे कर दिया। तो रोहित है, हमें आपको नाम लिखना है पहले रोहित, जैसे पापा हो गया, आपको अपने जो आपका जो रियल पेरेंट का नेम है यहाँ लिख देंगे, शुरू थी जैसे मोम, अब फैज जैसे ब्रदर, अब उसके डेट में यहाँ लिख दे, जैसे जैसे पापा को हो गई 12, जिनके रियल है उनको आपको यहाँ लिख देना है 2195। ओके, जैसे पापा के जो जन्म हुआ था तब हो जाएगा 9, क्या हो गया यहाँ लिख देंगे उसका, देखते हैं जब अब मोम का हो गया वो हो गया 1992। ओके, यहाँ पे आप ऐसे 92 कर देंगे तो इसका राइट हो गया। उसका जब ब्रदर से हुआ था तो 19 2020, यहाँ पे आप जैसे अब यहाँ पे लिख देंगे 2000 में, बल्कि 2 महीने 2000 में हो गया था, तो यहाँ पर इसका आपका आंसर सारे हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है,
वैन यू आर वॉट आर परपोज डू यू यूज़ अ कैलेंडर इन आवर डेली लाइफ डिस्कस यूअर टीचर एंड क्लासमेट्स। ये आपको पूछ रहे हैं कि आप जो कैलेंडर आप किस लिए आप इसको यूज़ करते हैं, आपको डिस्कस करना है अपने टीचर या क्लासमेट के साथ। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। देखिए इसका बहुत ईजी सा इसका आंसर है। तो गाइस यहाँ पे मैंने इसका आंसर कर दे दिया, हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा कैलेंडर हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ लाइफ वी यूज़ द कैलेंडर ऑफ काउंट द डेट वी ऑल्सो यूज़ द कैलेंडर टू गो थ्रू द ईयर। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके मटेरियल ज़रूर चेक करिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल है उसको जल्दी से जो सब्सक्राइब करना हमारी बेल दिख जाएगी उसको बेल को क्लिक करके ऑल पर सेट कर दीजिए। मेरी जो वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।